ब्याह का भोज, द वेडिंग फीस्ट। जब मैं छोटा था तो हम लोग निम्न मध्यम वर्ग के थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता था कि मैं बड़ी बड़ी शादी की पार्टियों में जाऊं। हमारे को ऐसे ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, तो जब भी मैं कहीं देखता था कि शादी की बहुत बड़ी पार्टी हो रही है जहाँ पर लोग बड़े सज धज के आए हुए हैं, बैंड बाजा बज रहा है, तो एक बच्चा होने के नाते मैं बड़ा आकर्षित हो जाता था और सोचता था कि काश मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिले, कितना अच्छा खाना पीना मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। तो मुझे ऐसा कोई मौके मिलते नहीं थे बचपन में। किसी भी समाज में शादी एक ऐसा अवसर होता है जब हर किसी के मन में उत्साह पैदा हो जाता है, दूल्हा दुल्हन के मन में भी और उनके रिश्तेदारों के मन में भी। शादी मतलब खाना पीना, अच्छे कपड़े, बैंड बाजा, हर्षो उल्लास के साथ नाच गाना इत्यादि, सब खुश हो जाते हैं। तो जब भी किसी की शादी की बात चलती है तो उसके करीबी रिश्तेदार बहुत आनंदित हो जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। इसलिए यीशु ने मत्ती 22 एक से 14 में स्वर्ग के राज्य के विषय में समझाने के लिए ब्याह के भोज का दृष्टांत सुनाया, ताकि लोग समझ सकें कि जो लोग परमेश्वर द्वारा आयोजित किए गए ब्याह के भोज में प्रवेश करेंगे वे हर्षोल्लास के साथ अनंत काल के लिए आनंदित होंगे। इसीलिए यीशु ने ब्याह का भोज दृष्टांत सुनाया, मत्ती 22 एक से 14 में। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। बाइबल क्या है? हम कहते हैं कि बाइबल एक प्रेम कहानी है। कैसे? जब मैं विश्वासी नहीं था तो अक्सर फिल्में देखा करता था, तो आमतौर पर अच्छी फिल्म वो होती थी जो एक लव स्टोरी होती थी। अब तो खैर मैं फिल्में नहीं देखता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि जो लव स्टोरी है वो सबको बड़ी आकर्षित करती है। अब भले ही फिल्मों में सही रीति से नहीं दिखाते लव स्टोरी, लेकिन बाइबल जो है वो सच्ची लव स्टोरी दिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। कैसे है ये लव स्टोरी? एक पिता जो अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन ढूंढने निकला है शादी के लिए, तो पुत्र को जब वो दुल्हन मिल जाती है तो पता चलता है कि वो दुल्हन जो है वो पाप में डूबी हुई है। तो पुत्र उसको छोड़कर चला नहीं जाता, बल्कि उसके लिए अपना बलिदान देता है कि वो अपने दुल्हन को शुद्ध कर सके, पापों से मुक्त करके पवित्र कर सके, ताकि वो उसे अपने पिता के सामने हाजिर कर सके और उनका ब्याह हो। तो पूरी बाइबल अगर आप ध्यान से देखें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, यही कहानी है। इट्स अ लव स्टोरी, प्रेम कहानी। तो जाहिर है प्रेम कहानी में शादी तो होगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 19:7-9 कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमना कौन? यीशु मसीह। तो बाइबल में चर्च यानी मसीहियों को यीशु मसीह की दुल्हन बताया गया है आत्मिक तौर पर, जैसा इफिसियों के 5:22-25 में लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया चर्च के मसीहियों को, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, योहन्ना से कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मत्ती 22:3 कहता है, और उसने यानी उस राजा ने अपने दासों को भेजा कि न्योता हारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। न्योता हारियों मतलब बुलाए हुए। तो परमेश्वर के बुलाए हुए कौन थे? इजरायली। यशाया 48:12 कहता है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इजराइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। तो परमेश्वर ने सबसे पहले इज़राइल को बुलाया कि मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि केवल मैं ही परमेश्वर हूं। इज़राइली सच्चे और जीवित परमेश्वर के लोग कहलाते थे, परमेश्वर के संतान कहलाते थे, परमेश्वर के राज्य के संतान कहलाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको कुछ विशेष अधिकार दिए थे, सम प्रिविलेजेस, जैसे परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की आज्ञाएं, जानवरों के बलिदान द्वारा पापों की क्षमा पाने का विशेष अधिकार, परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषें,
भविष्यद्वक्ताओं द्वारा सुसमाचार का पूर्व ज्ञान अर्थात मसीहा के आने के विषय में भविष्यवाणियां सिर्फ इसराइल को दी गई थी। ये सब कुछ सिर्फ इसराइल के लिए था पहले, तो वहां से बाद में संसार को पता चला, लेकिन पहले तो इसराइल के लिए था। इसीलिए इसराइल परमेश्वर का बुलाया हुआ था, मतलब परमेश्वर ने उनको बुलाया था अपने सेवकाई के लिए कि वे संसार को बताएं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन परमेश्वर को पहले से ही मालूम था कि इसराइल पाप में डूब जाएगा और अपनी सेवकाई पूरी नहीं करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत अन्य जातियों को भी शामिल किया था सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, जिसको चर्च कहा जाएगा उस समय योजना में, और वही चर्च यीशु की दुल्हन बनेगी। ये थी परमेश्वर की योजना। तो यहां पर ब्याह तो है यीशु और चर्च का, और भोज है यीशु के लहू में नई वाचा की आशीषें, जैसे यीशु के बलिदान से मिलने वाले पापों की क्षमा, उद्धार, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह, परमेश्वर के सिंहासन कक्ष तक पहुंच, पवित्र आत्मा द्वारा मिलने वाला ढांढस दिलासा, यीशु द्वारा मिलने वाली शांति, अनंत काल के जीवन का पूरा आश्वासन, ये सब उस भोज का हिस्सा है जिसका चरम बिंदु होगा यीशु के 1000 साल का राज्य, जो वो अपने दूसरे आगमन पर स्थापित करेगा। द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स एंड रिचेस ऑफ द गॉस्पल विल बी इन द मिलेनियल किंगडम। यशाया 25:6 कहता है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा, जेवनार मतलब गेस्ट, गेस्ट को बुलाएगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। तो यशाया ने यह पहले से ही भविष्यवाणी की हुई है यीशु के उस समय के 1000 साल के राज की, जहां पर यीशु राज करेगा यरूशलेम के मंदिर से, सब जातियों के लिए वो ये भोज होगा उस समय जो भी उसके राज में होंगे। तो यीशु के 1000 साल का मिलेनियल किंगडम, जिसमें उत्तम क्वालिटी का शारीरिक भोजन भी होगा, बहुत स्वादिष्ट भोजन, और आत्मिक भोजन भी, तो ये सब वो भोज का हिस्सा है, वो जो मिलेनियल किंगडम में उसका चरम बिंदु होगा। तो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा न्योताहारियों को उस भोज में शामिल होने के लिए, मतलब परमेश्वर ने पहले अपने भविष्यत वक्ताओं को भेजा इसराइल को सुसमाचार सुनाने के लिए ताकि वे उस पर विश्वास करें। तो भविष्यत वक्ताओं ने यीशु से संबंधित सभी भविष्यवाणियां की पुराने नियम में, जैसे हम पढ़ते हैं यशाया 53 में कि कैसे मसीहा आएगा, उसको मारा जाएगा सबके पापों के लिए, मीका में लिखा है कि मसीहा कहाँ पैदा होगा, फिर भजन संहिता में हर जगह पे जकरयाह ने लिखा, तो सारी भविष्यवाणियां मसीहा के बारे में इसराइल को दी हुई थी जो सुसमाचार था। फिर उनको नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें न्योता दिया, फिर से बुलाया इन्विटेशन कि मन फिराव करो और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाओ, सारा यहूदी जानते थे इस बात को। उसके बाद क्या हुआ, स्वयं यीशु ने आकर उन्हें न्योता दिया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का इजरायलियों को, लेकिन यहूदियों ने अपने हृदय को कठोर करके रखा और न्योता स्वीकार नहीं किया, ज्यादातर यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया। चौथी आयत कहती है मत्ती 22 की, फिर उस राजा ने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योता हारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, मतलब भोज के लिए, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। सेकंड इनविटेशन, मतलब राजा ने दोबारा न्योता दिया, ही एक्सटेंडेड हिज इनविटेशन। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद और यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद फिर से पवित्र आत्मा ने प्रेरितों और अन्य मसीही दासों द्वारा यहूदियों को न्योता दिया, द एक्सटेंडेड इन्विटेशन। रोमियों के 1:16 और प्रेरितों के 3:26 के आधार पर पहला न्योता यहूदियों के लिए ही था स्वर्ग के राज्य का, क्योंकि वे परमेश्वर के बुलाए हुए लोग थे। फिर 5वीं आयत में, परंतु वे यानी इजरायली यहूदी बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, तो उन्होंने इस इन्विटेशन को, उसकी गंभीरता को नहीं समझा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, कहाँ बुला रहा है, वो अपने कार्यों में व्यस्त रहे। उन्होंने यीशु पर भी विश्वास नहीं किया, सुसमाचार पर भी विश्वास नहीं किया,
जो खेती करता था, जो व्यापार करता था, अपने जीवन में व्यस्त रहे और यही सोचते रहे कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, इब्राहिम के संतान हैं। लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि आत्मिक तौर पर वे अभी भी परमेश्वर के भोज में प्रवेश नहीं करे थे उन्होंने। तो यही बात बताने के लिए उन्होंने, जो राजा था उसने जो भेजे थे दास, वो परमेश्वर के भेजे हुए दास थे। औरों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तो यहूदियों ने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को राजा हेरोदियस के हाथों मरवाया, यीशु को रोमी सरकार के द्वारा मरवाया, आगे जाकर स्तिफनुस और यीशु के भाई याकूब को मरवाया, साथ में पौलुस के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचकर उसको भी रोमी सरकार द्वारा मरवाया। लेकिन यहूदियों ने ब्याह के भोज का न्योता स्वीकार नहीं किया। सातवें में तब क्या हुआ, राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर ने लगभग 40 साल तक यहूदियों की दंड आज्ञा को रोककर रखा। मतलब आमतौर पर 40 की जो संख्या है वो दंड आज्ञा से संबंधित है, जैसे नूह के समय में 40 दिन बारिश होती रही। तो 40 दिन तक परमेश्वर ने संयम से, धीरज से रोक के रखा उनकी दंड आज्ञा को। लेकिन फिर भी जब यहूदियों ने ब्याह भोज में आना स्वीकार नहीं किया, तब परमेश्वर ने रोमी सेना भेज दी जिन्होंने ज्यादातर यहूदियों को मार डाला 70 AD में, यानी कि यीशु से लगभग 40 साल के बाद, और उन्होंने यहूदियों के मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। तो यही लिखा था यहां पर सातवें आयत में, जब यीशु सुना रहा था कि आगे क्या होने वाला है, कि राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया जिन्होंने, यहूदियों ने जिन्होंने मरवाया था यीशु मसीह के प्रेरितों को, बाकी मसीह दासों को उनका नाश करवा दिया। फिर आठवीं आयत में, तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है परंतु न्योताहारी योग्य ना ठहरे। मतलब यहूदियों ने क्वालिफाई नहीं किया आत्मिक तौर पर, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्वालिफिकेशन क्या होती है गेस्ट्स की, जो भी परमेश्वर के भोज में आ सकता है, एक ही क्वालिफिकेशन है, सुसमाचार पर विश्वास करना मन फिराकर, बस इतना ही है। इसीलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। ये है चर्च, भले और बुरे सब आएंगे उसमें, जो भी मन फिरा लेगा वो आ सकता है उसमें। जो न्योता पहले इसराइलियों के लिए था, जो खास थे, परमेश्वर के लोग थे, जिनको सारी आशीषें मिली थी, परमेश्वर ने वही न्योता अन्य जातियों को भिजवा दिया अपने दासों द्वारा, जो कि प्रेरित और अन्य मसीह विश्वासी थे। वो न्योता आज भी जारी है, भले ही कोई बुरा हो या अच्छा, कोई भी मन फिराकर यीशु के राज में प्रवेश कर सकता है। समय अभी है, अभी भी वो न्योता जारी है, कोई भी कहीं पर भी हो, जैसे उसने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 11वीं आयत में, जब राजा जेवनहारों यानी गेस्ट्स को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। तो राजा ने उससे पूछा कि हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या होता है। उस संस्कृति में, उस कल्चर में, कोई भी धनी व्यक्ति जब ऐसी कोई पार्टी देता था या भोज करता था या शादी का भोज करता था, तो वो अपनी तरफ से शादी के भोज के लिए उपयुक्त वस्त्र सारे गेस्ट को देता था, ताकि कोई किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, लेकिन जब वो अंदर आएगा भोज पे तो वो उसके योग्य लगना चाहिए, उस भोज के योग्य, इसलिए अपनी तरफ से देता था वो। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जिसने जितनों को बुलाया, किसी के पास अगर उतने उस लेवल के कपड़े ना हो तो वो आ जाएगा भोज में, तो देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कभी कभी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती है, लेकिन कोई रिश्तेदार गरीब होता है तो बेचारा गरीब से कपड़े पहन के आ जाता है, तो वो अलग से दिखाई देता है। तो ये कल्चर था, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, कोई राजा हो, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा भोज देता था वो, तो उसके लायक कपड़े स्वयं प्रदान करता था, ताकि जो भी आ रहा है वो वस्त्र बदल के अंदर आएगा। ऐसा एक कल्चर था उस समय। तो ये जो मनुष्य आया, इसने नहीं वस्त्र पहने हुए थे, जबकि इसको भी दिए गए थे वस्त्र पहनने के लिए, क्यों नहीं पहने उसने? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो स्वामी भक्ति या वफादार नहीं था राजा का, सहमत नहीं था राजा से, निष्ठावान नहीं था। तो उसके अंदर का जो स्वभाव था,
जो अंदर की जो मलिनता थी, यानी कि जो गंदगी थी उसके अंदर, वो बाहर झलक रही थी जब उसने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। तो ये जो चिन्ह है यहाँ पे कपड़ों का, वो क्या है? वो ये है, द इम्प्यूटेड राइटियसनेस ऑफ क्राइस्ट। मतलब हम धर्मी नहीं है लेकिन मसीह की धार्मिकता हमें मिलती है। तो वो कपड़ा है जो हम पहन लेते हैं और हम प्रवेश करते हैं राजा के भोज में, यानी परमेश्वर के भोज में। द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा जो हमें शुद्ध करता है पापों से, जब हम मन फिराते हैं और पवित्र आत्मा मिल जाता है, वो है वो उज्जवल कपड़ा जो हम पहनते हैं। ये सब जरूरी है उस भोज में प्रवेश करने के लिए। कोई भी मनुष्य ऐसे कपड़े स्वयं तैयार नहीं कर सकता, वो तो राजा की तरफ से दिए जाते हैं। तो ऐसा ही है उद्धार, हम स्वयं तैयार नहीं कर सकते अपना उद्धार। फिर इस दृष्टांत में यीशु समझा रहा है कि वो दिन आएगा जब ऐसे लोग आएंगे जैसे ये मनुष्य था, जो वैसे हो सकता चर्च में हो लेकिन उसने वो आत्मिक कपड़े नहीं पहने। तो उस समय जब यीशु आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई तुम ब्याह के भोज के लायक नहीं हो, इसलिए तुमने मेरे दिए हुए कपड़े नहीं पहने, उद्धार नहीं पाया, पवित्र आत्मा नहीं पाया। तो उसी के बारे में यहां बात हो रही है। प्रकाशित वाक्य 3:5 कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। श्वेत वस्त्र, यानी जैसे पहले की आयतों में पढ़ा था, पवित्र लोगों के काम, वो है जिसको हम उद्धार बोलते हैं। 13वीं आयत में, तब राजा ने सेवकों से कहा, इस मनुष्य के जिसने कपड़े नहीं पहने, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये दंड आज्ञा अविश्वासियों के लिए होगी, उन्हें ऐसी जगह में फेंका जाएगा अर्थात अधोलोक की पीड़ा वाली जगह में, जहां उन्हें अत्यंत दुख और शोक होगा, पछतावा भी होगा उन्हें, लेकिन वह वहां पहुंच जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा, मतलब उन्हें शारीरिक यातना और पीड़ा भी होगी। शरीर कैसे? क्योंकि पुनरुत्थान तो सबका होगा, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, लेकिन जो शरीर मिलेगा, विश्वासी तो स्वर्ग चला जाएगा शरीर के साथ, अविश्वासी जो है वो अंत में नरक में जाएगा यीशु के श्वेत सिंहासन के बाद, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। तो ये सब जो यहां पे बताया गया है कि ये जो दंड आज्ञा उनके लिए है, जहां रोना और दांत पीसना होगा, इसके बाद शुरू होगा यीशु के 1000 साल का मिलेनियल किंगडम विश्वासियों के साथ, जिसको बाइबल ब्याह का भोज कहती है, द वेडिंग बैंक्वेट। और अंत में है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए बहुत का मतलब, बुलाए तो सब लोग गए हैं। जैसे किसी नौकरी के लिए जब इंटरव्यू होता है तो किसी को भी आने की अनुमति होती है इंटरव्यू पे, सब कोई भी आ सकता है, लेकिन चुना वो जाता है जो उसके योग्य होता है। तो वहां तो योग्यता संसार में क्या होती है, आपकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो आपकी डिग्री हो सकती है या आपका स्किल सेट हो सकता है, लेकिन यहां पर योग्यता क्या है? मनुष्य में नहीं है वो योग्यता, लेकिन एक ही योग्यता है उसकी, क्या उसने मन फिराकर सुसमाचार पर विश्वास किया, तो उसे श्वेत वस्त्र मिल जाते हैं। इतनी योग्यता है, उनको परमेश्वर कहता है इनको मैंने चुन लिया अपने राज के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरा दिया हुआ न्योता स्वीकार कर लिया, भले ही अच्छा था बुरा था, लेकिन अब इसने स्वीकार कर लिया, इसने मेरे दिए हुए कपड़े पहन लिए, अब यह ब्याह के बोझ में आ सकता है। तो यह था ब्याह का बोझ। आमीन।